हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आसिफ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनजेड सर्विसेज। इस वीडियो में हम सीखेंगे मेट्रो स्मार्ट कार्ड पेटीएम ऐप से कैसे रिचार्ज करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे एक सर्च का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है मेट्रो। तो देखिए, आपको यहाँ पर सर्विसेज के नीचे एक मेट्रो का आइकन दिया जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट के मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी दिल्ली मेट्रो का कार्ड है, तो हम यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन आते हैं, जैसे पहला है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन टिकट, मेट्रो टिकट, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज और ट्रिप पास। तो फिलहाल अभी हम स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट कार्ड है और हम इसे रिचार्ज करने वाले हैं। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन हैं, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ऑप्शन का नाम लिख दीजिए, जल्द से जल्द आपको इनकी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। तो हम स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्मार्ट कार्ड नंबर डालना होता है, जैसे कि ये हमारा दिल्ली मेट्रो का कार्ड है। तो आप बैक में देखेंगे, यहाँ पर ये नंबर होता है, देखिए ये है मेट्रो कार्ड नंबर। आपको उसको यहाँ फिल कर देना है, तो हम फिल कर लेते हैं इसको। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर रिचार्ज अमाउंट सिलेक्ट करना है इन तीन में से, या फिर आप अपने हिसाब से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे 100 का करना है, मैं इस पर टैप कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पे करना है। आप अपने लिंक्ड अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अनदर को UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेटीएम वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मेट्रो कार्ड रिचार्ज हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कि सिंपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको दिल्ली मेट्रो के किसी भी स्टेशन पे जाना है। यहाँ पर आपको इस तरह की AVM मशीन मिलेगी, आपको वहाँ पर अपना कार्ड टैप करना है और उसके बाद वहाँ पर टॉपअप के बटन पर क्लिक करना है और आपका जो रिचार्ज अमाउंट है उस पर ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो रिचार्ज अमाउंट है वो आपके मेट्रो कार्ड में ट्रांसफर हो जाएगा एंड आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा हो या कोई मेट्रो कार्ड रिचार्ज को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।